हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को एक ट्रेन का सीनरी पेंटिंग करके दिखाऊंगा। मतलब एक नेचर होगा बहुत ही शानदार सा और उसके अंदर से एक ट्रेन आएगा। वैसे आप लोग तो ये थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज मैं कौन सा पेंटिंग करने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट से पेंटिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर हमें सबसे पहले एक स्केच कर लेना होगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने ब्लू कलर ले लिया है और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रश ले लिया है, तो इसकी वजह से यहाँ पर हम एक स्केच करेंगे। ठीक है, चलिए स्केच कर लेते हैं सबसे पहले। सो गाइस, ये रहा हमारा आज का स्केच। यहाँ पर एक ट्रेन आएगा और ये एक रास्ता है, इधर से इधर नीचे एक पुल है और इधर आसपास अच्छे अच्छे पेड़ पौधे होंगे। ठीक है, तो यही है हमारा आज का पेंटिंग। तो चलिए, इधर होगा आसमान। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आसमान को पेंट करते हैं। उसके लिए देखिए यहाँ पर मेरा लाइट ब्लू कलर ले लिया है, स्काई ब्लू कलर, उसको पहले यहाँ पर दे देते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा ब्रश ले लिया है 1.5 इंची और इस ब्रश से मैं यहाँ पर इस लाइट ब्लू कलर को दे देता हूँ। ठीक है, गाइस इस वीडियो में मैं जो कलर यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपने इस कलर के बारे में नहीं जानते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, आपको मेरे इस कलर के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो पेंटिंग बोर्ड है इसके बारे में भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इन्फॉर्मेशन दे रखा है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, ये जो ब्रश है ये कौन सा ब्रश है, आपको ये ब्रश कहाँ से खरीदना है, सब कुछ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। तो इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप एक बार ज़रूर चेक कर लेना। ओके, तो स्काई कलर लगभग हो गया है। सो गाइस, अभी ये तो ट्रेन के पीछे यहाँ पर कुछ पेड़ होगा दूर का। ठीक है, तो इसीलिए देखिए यहाँ पर मैंने इस कलर ले लिया है। ये कलर है, ये डीप ग्रीन के साथ ये जो स्काई ब्लू कलर है इसको मैंने मिला लिया है थोड़ा करके, तो उसके बजाय तो ये दोनों मिला के ये कलर बन गया है। ठीक है, तो लगभग यहाँ तक मैंने इस पेड़ को पेंट कर दिया। अभी यहाँ पर इसको कुछ हाईलाइट करना है इस तरह से। ठीक है, तो गाइस दूर का पेड़ हो गया। अभी यहाँ से बड़ा बड़ा पेड़ पेंट करेंगे, ये थोड़ा पास वाला पेड़। ठीक है, इसलिए देखिए यहाँ पर मैं डीप ग्रीन कलर ले लिया है। तो अभी इसको मैं यहाँ पर पहले इधर होगा एक छोटा सा ग्राउंड। ठीक है ना, ये रेल लाइन है, इधर थोड़ा सा ये मिट्टी होगा, इधर मिट्टी और पत्थर होगा रेल लाइन का, और उसके थोड़ा दूर से होगा ज़मीन। ठीक है ना, इधर से जमीन होगा, इधर कुछ झाड़ियां होंगे। सो गाइस, अभी इधर जो रास्ता है ना, ये जो रास्ता है, इधर जो रेल लाइन है, इधर ये जो बिस्किट कलर है ना, इसको देना होगा। तो चलिए पहले हम इसको दे देते हैं। पहले हम जहाँ जहाँ पे जो कलरिंग है, जो मोटा मोटा कलर है, वहाँ सबसे पहले वो सब कलर हम दे देंगे, उसके बाद जाके हम उसको फिनिशिंग करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर पहले रास्ते का कलर दे देते हैं, उसके बाद जाके इस रास्ते को हम फिनिशिंग करेंगे। मतलब और भी जो कलर्स होते हैं, जैसे कि ब्राउन कलर हो गया, वाइट कलर हो गया, ठीक है, ये सब कलर हम बाद में जाके देंगे। अभी तो पहले हम इसका जो बेसिक कलर है वो हम सबसे पहले दे देते हैं। ठीक है, तो बिस्किट कलर देना हो गया। अभी ये जो ब्राउन कलर है इसको हमको देना पड़ेगा। सो गाइस अभी इस पेड़ को हाईलाइट करना है, ठीक है। उसके लिए देखिए यहाँ पर मैं ग्रीन कलर ले लिया हूँ। सो गाइस ये है थोड़ा सा डीप ग्रीन कलर, ठीक है, मतलब बिल्कुल लाइट ग्रीन नहीं है। इससे इसके बाद जो मैं इस पर दूंगा वो है एकदम लाइट ग्रीन कलर। और गैस ये जो मैं अभी जो कलर दे रहा हूँ ये है लाइट ग्रीन, ठीक है। तो बस अभी ये है पिंक कलर, ठीक है। तो इस पिंक कलर को मैं यहाँ पर अभी दूंगा, तो इसके बाद ये पेड़ देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। सो गैस इस पिंक कलर से बहुत ही शानदार करके इस पेड़ को भी हाईलाइट कर देना होगा, ठीक है। ये देखिए ओके। तो गाइस अभी देखिए अभी इस ट्रेन को पेंट करना होगा, क्योंकि देखिए पीछे का जितना भी चीज़ है, ये पीछे का पेड़ है, ये पीछे का है, पीछे का, ठीक है, सारा कुछ पेंट करना हो गया। अभी इस ट्रेन को पेंट करना होगा। अभी इस ट्रेन का जो इंजन है यहाँ पर ये होगा ब्लैक कलर। तो गैस चलिए इस ट्रेन पेंटिंग को मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा के टाइम लैप्स कर देता हूँ, ताकि आपका थोड़ा टाइम सेव हो सके, क्योंकि इस ट्रेन पेंटिंग में समझने वाले कुछ नहीं है, आपको सिर्फ देखना होगा। ओके तो चलिए। सो गैस अभी ट्रेन पेंट करना तो हो गया। अभी यहाँ से कुछ धुआं पेंट करेंगे, ठीक है, ट्रेन का इंजन का धुआं इधर बाद में पेंट करेंगे। तो पहले अभी इधर से जो रेल लाइन है इसको पेंट करना होगा, ठीक है। तो गैस अभी इस लाइन के अंदर ऐसे ऐसे ब्राउन कलर से आपको ऐसे ऐसे कर देना होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर इस रेल लाइन के बीच से एक रास्ता जाएगा, तो उसके लिए देखिए अभी रास्ते को पेंट कर रहा हूँ। तो रास्ता तो मैंने पहले पेंट कर दिया था, अभी मैं वाइट कलर दे रहा हूँ रास्ता को हाईलाइट करने के लिए, ठीक है। ये देखिए सो गाइस अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं डीप ग्रीन कलर से इस पेड़ को पेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये डीप ग्रीन कलर, इधर घास होगा, इधर भी घास होगा, ठीक है, इधर भी घास होगा और इधर पेड़ होंगे, ठीक है। तो ये पेड़ पेंट करने का बेसिक आर्ट, जैसे कि आप लोग मेरे जितनी भी पेंटिंग्स है सारे पेंटिंग्स में मैं यही कहता हूँ कि ये पेड़ पेंट करने का सबसे बेसिक कलर है, ओके। ये है पेड़ के ब्रांचेस, बाद में इस पेड़ के जो ब्रांच है इसको मैं हाईलाइट कर दूंगा। अच्छा, ये जो पेड़ में पेंट करूंगा ना, ये इस कलर से करूंगा, ठीक है, नहीं इधर में करूंगा ऑरेंज कलर से, ओके। सबसे पहले पेड़ का जो बेसिक कलर है वो हम पहले देते हैं, तो बेसिक कलर होगा इधर ब्राउन कलर, ठीक है। चलिए तो गैस ये हो गया पेड़ का बेसिक कलर। अभी इसके ऊपर मैं दूंगा रेड कलर, ठीक है। ये जो कलर देख रहे हैं आप, पहले मैं इस कलर दूंगा इस पेड़ के ऊपर, उसके बाद जाके हम देंगे ऑरेंज कलर, ठीक है। मतलब इधर से लाइट आ रही है इसलिए पेड़ का हमेशा यही हिस्सा ज़्यादा हाईलाइट होंगे, मतलब ज़्यादा लाइट कलर दूंगा, ठीक है। सो गैस अभी आप देख रहे हैं कि इधर मैंने रेड कलर दे दिया है पूरा का पूरा। अभी देखिए ये है थोड़ा येलो कलर, ठीक है, तो इस कलर से मैं इस पेड़ को करूँगा हाईलाइट, ये देखिए, ओके। देखिए अभी ये पेड़ कितना प्यारा लग रहा है दिखने में, है ना, ओके। तो देखिए अभी ये जो पेड़ है पेंट करना हो गया है। अभी इसका जो ब्रांचेस है इसको मुझे थोड़ा हाईलाइट करना है, तो वो मैं बाद में करूँगा, पहले इधर जो पेड़ है इसको मैं पेंट करूँगा। गाइज ये जो पेंटिंग बन रहा है ना, इसमें ये जो हिस्सा है ना, ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब इधर से वो पीछे से लाइट आ रही है और इधर जो झाड़ी है इधर लाइट पड़ रही है। सो ये जो कॉम्बिनेशन मैंने इधर किया, पता नहीं मैंने कैसे किया, लेकिन ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। इधर तो हो गया, अभी इस पोर्शन को पेंट करना है, तो इधर मैंने कुछ घास को पेंट करेंगे, जैसे कि मैंने इधर किया ना, ये जगह पे सेम टू सेम इधर भी करना है। लेकिन इधर ध्यान रखना है क्योंकि इधर एक पेड़ है, तो पेड़ का यहाँ पे छाव होगा, तो इसीलिए इतना ज़्यादा लाइटली इधर नहीं करना होगा हमको, थोड़ा सा डीप करना होगा। इधर थोड़ा लाइट करना होगा लेकिन इधर बहुत ही डीप करना होगा क्योंकि ये छाव होगा, है ना, पेड़ का छाव है, इसलिए इधर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा हमें। तो आप भी जब भी कोई पेंटिंग करेंगे तो बस इसी चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर लाइट है कहाँ पर शेडो है। लाइट जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही शेडो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर शेडो नहीं होगा ना तो आपका पेंटिंग अच्छा नहीं लगेगा। इधर घास पेंट करने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा एक पॉन्ड है, तो इस पॉन्ड को पहले हमको इसका जो बेसिक कलर है ये मैं पहले दे दूंगा, ठीक है। तो इधर देखिए यहाँ पर मैंने ब्लू कलर ले लिया है, ठीक है, तो इस ब्लू कलर को पहले इस पॉन्ड में दे दूंगा, ठीक है। सो गैस यहाँ पर एक पुल पेन करना होगा, ठीक है, ये ब्रिज का एक छोटा सा पुल। थोड़ा और व्हाइट कलर देना होगा क्योंकि यहाँ पे लाइट ज्यादा आ रही है, इसीलिए। सो गैस अभी यहाँ पर एक झाड़ियाँ पेंट करेंगे छोटा सा, ठीक है। तो ये देखिए, ये है लाइट ग्रीन कलर, मतलब ये पूरा लाइट ग्रीन कलर नहीं है, ये आधा लाइट ग्रीन कलर है, ठीक है। मतलब लाइट ग्रीन कलर के अंदर में थोड़ा सा डीप ग्रीन कलर मिलाया हो, तो इसीलिए ऐसा कलर हुआ है, ठीक है। चलिए सेम जैसा मैंने इधर घास पेंट किया, इधर भी सेम वैसे ही पेंट करेंगे, ठीक है। ये देखिए थोड़ा डीप कलर है। तो बस अभी ये रेल लाइन को हाईलाइट करना होगा, मतलब व्हाइट कलर देना होगा, ठीक है। तो ये देखिए व्हाइट कलर, इसको जस्ट आपको ऐसे छोटा सा लाइन खींचना है, ठीक है। ये देखिए ऐसे, पहले मैंने इधर एक ग्रे कलर का लाइन खींच दिया है, अभी सिर्फ व्हाइट कलर से ऐसे आपको एक लाइन खींचना होगा। तो गैस अभी हमें इस पानी में एक शेडो पेंट करना होगा। तो देखिए जैसे कि मैंने अभी कह रहा हूँ, ये डीप ग्रीन कलर अभी मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इधर ऊपर घास है, इस घास का शेडो इधर पड़ रहा है, तो इसीलिए मैंने इधर ग्रीन कलर दे दिया है। अब उसके बाद देखिए इधर थोड़ा सा ये ऊपर है लाइट ग्रीन कलर, तो इसीलिए ये देखिए इधर में थोड़ा सा पीला कलर मिला के, ये देखिए, ठीक है ना, ऐसा लगेगा कि ऊपर का जो घास है इसका शेडो इधर पड़ रहा है। तो इधर भी मैं ऐसे ही दे देता हूँ, ये ब्राउन कलर लिया हूँ और इस टाइप से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पुल का शेडो, शेडो हो गया। अभी शेडो जहाँ ख़त्म हो रहा है उधर ऐसे करके वाइट कलर देना होगा। पहले इधर एक वाइट कलर से हल्का सा एक ऐसा करके एक बॉर्डर दे देते हैं, ठीक है ना। ये बॉर्डर का मतलब है कि पानी यहाँ तक है, ये जो बॉर्डर में इधर दे रहा हूँ ना वाइट कलर से, इससे ऐसे लगेगा कि हाँ पानी यहाँ तक ही है। ये है पानी का वेव, ठीक है ना। इधर थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। ओके गैस अभी तो हमें इधर कुछ धुएं पेंट करना होगा, मतलब ट्रेन से धुआं निकल रहा है ना, तो उस टाइप का कुछ याद इधर थोड़ा सा धुआं पेंट करना होगा। तो देखिए इधर मैंने एक कलर लिया है, तो ये है कौन सा कलर, ग्रे कलर, ठीक है। तो ये है ग्रे कलर, ये देखिए, बस यही तक ठीक है ना। अभी देखिए ये थोड़ा सा वाइट कलर हो गया, ठीक है ना। सो गाइस कंप्लीट हो गए हमारा आज का एक बहुत ही शानदार सा एक ट्रेन का सीनरी पेंटिंग। सो गाइस आई होप आप सबको आज की ये जो पेंटिंग है ये आपको बहुत ही अच्छा लगा और आज की इस पेंटिंग से आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस ज़रूर से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। गाइस अगर आपने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर से मेरे को इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो कर लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम और मेरा फेसबुक का जो लिंक है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रखा है। सो गाइस आज के लिए तो बस इतना ही और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट एक नया पेंटिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय।